गुड आफ्टरनून एवरीवन आवाज आ रही है सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी एग्जामपुर में और आज इस स्पेशल इवेंट में मैं आप लोगों के लिए कुछ विशेष लेकर आया हूं जहां आपको जानकारी मिलेगी 68 बीपीएससी के माइक्रो एनालिसिस के साथ क्या होता है इसका सिलेबस किस प्रकार से इसके एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है और साथ साथ क्या इसका कट ऑफ रहा है पिछले तीन स... एग्जाम्स के अभी सिक्सटी सिक्स के इंटरव्यू अभी कंटिन्यू है और इसके भी फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के आपको बहुत जल्द अवेलेबल होंगे आफ्टर रिजल्ट तो आइए जानकारी करते हैं के लिए किस प्रकार से आयोग आपको एग्जाम पैटर्न के साथ ये एग्जाम कराता है क्या सिलेबस होता है और उनके क्या कट ऑफ होते हैं कितनी मेहनत आपको करने की जरूरत है और जुड़े रहिए हमारे साथ में मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि बहुत ही जल्द आप लोग के लिए नाइन्थ ऑफ जून शाम पांच बजे एक स्पेशल लाइव वेबिनार इसलिए मैं लेकर आ रहा हूं मेरी पूरी टीम के साथ में जहां आपको जानकारी मिलेगी कि प्रथम प्रयास में कैसे 68 बीपीएससी में सफल हो सकेंगे आप हमारा खुद का 12 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में आई एस से पढ़ाने का तो उनको हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ में तो सबसे पहले यहां पर जो पॉइंट आप लोगों के लिए बनता है कि कब आ सकता है नोटिफिकेशन बीपीएससी का तो ये जैसा कि अभी आयोग से जानकारी है कि सबसे पहले सिक्सटी सेवन बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा और उसके बाद ही आपको सिक्सटी एट बीपीएससी के नोटिफिकेशन आ सकती है सो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर हम लोग एक अनुमान लेकर चल प्रे कि अगस्त पंद्रह अगस्त के आसपास में यहां पर आपको प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद इसके नोटिफिकेशन आ सकेंगे पहला नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या बिहार का, के एग्जाम के लिए एग्जाम पैटर्न होता होता है है क्या उसका सिलेबस और आज हम लोग इसके कट ऑफ की भी चर्चा करने वाले बहुत ही स्पेशल सेशन एक बार तेईस लाइक like और शेयर कर देंगे ओके okay, आई तो सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे कि जो 68 बीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो किस प्रकार का रहा है जैसा कि अभी चल रहा है 66 का 67 का उसी हिसाब से 68 का भी एग्जाम पैटर्न रहेगा तीन फेज में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे फर्स्ट फेज में आपका प्रीलिम्स होगा जिसके आप देखेंगे कि 150 मार्क्स होते हैं 150 क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने में होते हैं मेंस और इंटरव्यू पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड्स करता है मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स पर आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड्स करता है मेंस के मार्क्स होंगे 900 और इंटरव्यू 120 मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है तो सबसे पहले हमने जाना कि एग्जाम पैटर्न तीन फेजेस में एग्जाम्स होंगे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू यहां मैं आपको बता दूं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में केवल और केवल मेन्स और इंटरव्यू के मार्क्स ही एड किए जाते हैं नेक्स्ट यहां आपकी जानकारी में है कि 68 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स जो होगा आप लोगों के लिए यहां पर जनरल स्टडीज के दो घंटे का पेपर होगा ओके और डेढ़ सौ क्वेश्चन होंगे और डेढ़ सौ मार्क्स ही होंगे ओके यहां पर जो क्वेश्चन जो होते हैं ये क्वालिफाइंग नेचर का है ये मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे चीजों को समझते चलिएगा जो भी बच्चे नए हैं बिल्कुल सटीक आपको जानकारी यहां पर इस चैनल पर मिलेगी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आपको आ सके यह है बीपीएससी एग्जाम जो आपको फुल्ली ओरिएंटेड है बीपीएससी एग्जाम्स के लिए ओके अब जो देखते हैं कि यहां पर जो ऑप्शन जो होंगे आप देखेंगे कि बीपीएससी एकमात्र ऐसा एग्जाम है जहां पर ई ऑप्शन आपके सामने में आता है यहां ई ऑप्शन आता है And there is no इसमें कोई भी मार्किंग नहीं होती है, हो। मार्किंग नहीं है तो पूरे डेढ़ सौ के डेढ़ रखिएबस हो।, हो सकता है तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं किस का क्या सिलेबस रहेगा यह आपके स्क्रीन पर इसे मैं हिंदी में आपको दिखाता हूं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाओं मतलब कि ये करंट अफेयर्स आपके लिए है भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास यहां पर ध्यान रखिए कोई भी स्टेट पीसीएस होता है तो उसमें इंडिया के इतिहास के साथ साथ बिहार स्पेशल जैसे यूपी होगा तो यूपी स्पेशल एमपी होगा एमपी स्पेशल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 से 40 परसेंट वेटेज तक हो सकता है 25 से 40 परसेंट वेटेज भी स्टेट के लिए उभर कर सामने में आता है यह ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें भी बिहार की भूमिका देन सामान्य मानसिक क्षमता प्रश्न जो होते हैं ये दस प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एप्टीट्यूड लेवल के आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जो कि टेंथ स्टैंडर्ड के होते हैं मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने में होते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन यहां पर आपके सामने में होते हैं देन सामान्य विज्ञान होगा और इस विज्ञान में आप देखेंगे बायोलॉजी भी है फिजिक्स भी है केमेस्ट्री भी है भारत का सामान्य भूगोल और जैसा कि मैंने बताया बिहार स्पेशल तो बिहार का भौगोलिक विभाजन और इसकी प्रमुख नदी प्रणाली छोटी से छोटी नदियां पूछी जाती है बिहार के संदर्भ में ठीक नेक्स्ट आ रहा है स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था यहां पर इकॉनॉमी से क्वेश्चन आएंगे और भारतीय राजनीति और बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं इकॉनमी के संदर्भ में यह इसके सिलेबस में दिया गया सो दिस इज द सिलेबस गिवेन बाय द बीपीएससी बीपीएससी के द्वारा यह सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया हुआ है नेक्स्ट ये आप जो देख रहे हैं यहां पर अब जो पॉइंट में आपको बता रहा हूं कुछ माइक्रो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं कि क्वेश्चंस कहां कहां से उठाए जा सकते हैं ठीक अगले एक वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा पिछले तीन चार एग्जाम्स के और उन पर भी हम लोग गहन चर्चा करेंगे सो आइए इनको हम लोग डील करते हैं हिंदी के साथ में विज्ञान के प्रश्न कैसे होंगे जिनमें विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होगी आपको जनरल यूज के क्वेश्चंस होते हैं आप पर्वत की ऊंचाई पर जा रहे हैं तो नाक से ब्लड क्यों आ जाता है ये मतलब अप्लाइड क्वेश्चंस यहां पर आपको पूछे जाएंगे इतिहास के तहत अगर हम लोग देखें तो उसकी आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर विचार करने की यहां पर ज्यादातर जरूरत है ठीक इतिहास और भूगोल दोनों में उम्मीदवारों को बिहार का इतिहास और भूगोल भी तैयार करना होता है यह सबसे बड़ी बात है यहां पर ध्यान रखिएगा जैसा कि मैंने बताया 25 से 40 परसेंट का वेटेज यहां पर आपके सामने में होता है ठीक भूगोल के अंतर्गत प्रश्न की हम लोग बात करें तो भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग सहित बिहार के खनिज संसाधन बिहार की नदियां बिहार के उद्योग बिहार के पर्यटन ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो यहां पर बिहार स्पेशल एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है यह ध्यान में रखिएगा यह नहीं होगा कि सिर्फ आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा इस बार प्रीलिम्स में देखिएगा तो बीपीएससी जो 67 का जो एग्जाम जो कैंसिल हुआ वर्ल्ड ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे गए सीडीपीओ के एग्जाम में भी और 67 बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि कैंसिल हुआ है ठीक नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी की बात करते हैं तो क्वेश्चन जो होंगे इनसे सिस्टम देखिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चन बन रहे हैं पंचायती राज से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कम्युनिटी डेवलपमेंट से प्लानिंग इंडिया एंड बिहार ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन बनते बनते ही बनते। मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो फिल्म हैं तो उसके इकॉनमी के जो इंडेक्स की अगर हम लोग चर्चा करें तो इकॉनॉमी के जो इंडेक्स होंगे आपको दो से मिनिमम कम से कम दो साल के तो याद करने पड़ेंगे दो साल के मिनिमम आपको यहां पर याद करने की जरूरत पड़ेगी क्लियर पॉइंट यहां तक सभी बच्चों को यहां तक के पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ओके okay. अब जो देखिए आगे क्यों करते हैं। सेम चीज आपके सामने में इंडियन नेशनल मूवमेंट की हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं यहां पर भी आप देखेंगे कि कैसा रिसर्जेंस रहा है फोकस आपको करना है किस प्रकार के विद्रोह रहे हैं और नाइनटीन सेंचुरी में किस प्रकार से बदलाव हुआ उदारवादी से गर्म कैसे बनते गए और किस प्रकार से भारत में एंट्री होती है गांधी की और गांधी बनते हैं चूंकि जो बिहार और एंसेट अगर देखे तो बिहार का इतिहास ही पूरे भारत का इतिहास है काल, काल बौद्ध धर्म जैन धर्म सब यही है ठीक तो यहां पर इनके नेचर और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से भी क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका आपको देखने को मिलती है यहां पर बिहार के व्यक्तियों की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो रामचरण शुक्ल हो राम, राम शुक्ल जी हो राम कुमार शुक्ल जी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते ऑल्सो द रोल ऑफ बिहार इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो मैंने आपको बताया कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन जो आते हैं आप लोगों के रिमझिम जी ये लाइव क्लास ही हमारी चल रही है रिकॉर्डेड नहीं आप लोगों के लिए ही सब कुछ है सुबह से लेकर रात तक हम लोग यही काम करते हैं ये जो चैनल है पूर्ण रूप से बीपीएससी के लिए सिलेक्टेड है बीपीएससी एग्जाम एग्जामपुर हमने इसका नाम रखा है ठीक आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो प्रीलिम्स के जो मैंने आपको सिलेबस बताए है यहां पर मैं एक चीज अच्छा पहले मैं आप लोगों से और बता दूं जरा सा यहां पर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जब हम लोग कर ही रहे हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज की अगर हम लोग चर्चा करें तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते ध्यान दीजिए इसके बाद आप देखेंगे तो करंट करंट से भी 30 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं आप देखिए तो साइंस साइंस से भी आपको 30 क्वेश्चन के राउंड में यहां पर बनता हुआ देखने को मिले 25 से 30 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं अगर आप देखेंगे बिहार स्पेशल तो बिहार से भी आपको 25 क्वेश्चन बनते हुए यहां पर देखने को मिले ये चार पर अगर आप अच्छा फोकस करते हैं तो आपके लगभग 110 प्लस क्वेश्चन की तैयारी तो यहीं से हो जाती है 110 प्लस क्वेश्चन की तैयारी यहीं से होती है देन आप देखेंगे तो इसके बाद जो क्वेश्चन आपके सामने में आएगा ज्योग्राफी जो कि बारह से पंद्रह क्वेश्चन आते हैं यहां से इस पर फोकस करने की जरूरत है देन आप देखेंगे तो पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं आठ से दस क्वेश्चन तक मैक्सिमम आ सकते हैं इकोनॉमी की अगर हम लोग चर्चा करें तो इकोनॉमी में आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं पांच से आठ क्वेश्चन तक यहां पर बन जाते हैं तो इस तरह से सीन यहां पर आपको बनता हुआ देखने मिलेगा और दस क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ से होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट से आपके सामने में दस क्वेश्चन होते हैं तो ये ही आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चंस है इन पर आपको फोकस करने की जरूरत होती है आज सब लोग एक माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं और आप लोगों को मैं बता दूं नाइन्थ ऑफ जून शाम पांच बजे आज ही आज आपको मैं बता देता हूं कि नाइन्थ ऑफ जून शाम पांच बजे हमारा एक इवेंट लगा हुआ है जो कि वेबिनार का है तो लाइव वेबिनार में आपको जुड़ने का मौका कैसे मिलेगा यह भी मैं आपको बता देता हूं अभी आप इस इवेंट के साथ में जुड़े हुए हैं अभी आप इस इवेंट के साथ में जुड़े हुए हैं और आप देखेंगे कि ये जो इवेंट है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और यहां पर 68 बीपीएससी 2022 फ्री लाइव वेबिनार सेशन 9th of June at rate 5 PM आपके सामने मैं खुद होऊंगा और हमारे साथ में संजय सर होंगे दीपक सर होंगे शाम बजे और आपको बताया जाएगा कि प्रथम प्रयास में कैसे आप बीपीएससी में सफल हो सकते हैं 68 एट बीपीएससी में जोड़ना मत भूलिएगा आपको लिंक शेयर किया जाएगा इसके लिए आपको क्या करना है कि इस पर जाकर एक फॉर्म फिलअप कर लेना छोटा सा आपका फॉर्म फिलअप करना है यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर ये मैं हूं और ये हमारी टीम है दीपक सर है संजय सर है यहां पर तो यहां पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे नेम ईमेल आईडी और फोन नंबर से आपको लिंक पहुंच जाएगा यू कैन आस्क एनी डाउट अबाउट द बीपीएससी एग्जाम्स कोई भी आपके मन में डाउट हो कैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं कैसे सेल्फ नोट्स बनाते हैं कितने घंटे पढ़ते हैं कौन सा बुक्स पढ़ते हैं इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे पूरे एक घंटे का लाइव वेबिनार होगा आप यहां पर जरूर जुड़िए ज्यादा ज्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं आइए फिर से मैं आपको लेकर चलता हूं अपने पॉइंट्स पर। तो डेढ़ सौ क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो नाइनटी सेवन पर ही सिलेक्शन हो गया था ध्यान दीजिएगा 97 मार्क्स पर ही आपका सिलेक्शन हो गया अब आप सोचिए अगर आप जनरल फीमेल में आते हैं तो छ नंबर और कम कर लीजिए यहां पर तो और कम पे आपका सिलेक्शन है एस में आते हैं तो आपके सामने यहां पर पॉइंट है अगर आप एस कैटेगरी में आते हैं तो यहां पर पॉइंट है यहां पर ध्यान दीजिएगा एस कैटेगरी को उतना वेटेज नहीं जितना कि एस कैटेगरी को क्यों क्योंकि बिहार में एस कैटेगरी के लोग कम है परसेंटेज कम है इसलिए मात्रा भी यहां पर कम देखने मिलती ठीक है <coughs> बिल्कुल ये मैं था और ये मेरी टीम थी बिल्कुल जोया तो ये ध्यान में रखिएगा ये सीरीज है आप यहां पर राइट डाउन कर सकते हैं कि हाँ बीसी कैटेगरी में क्या स्थिति दी गई है ईबीसी कैटेगरी में क्या है ईडब्ल्यूएस में क्या है मेल फीमेल दोनों आपके सामने में है 65 66 64 दोनों का तो आप यहां पर मैच करके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ठीक देखिए है। एग्जाम के लिए पढ़ना और सिलेक्शन के लिए पढ़ना दोनों में अंतर होते हैं सो यू हैव टू मेक योर एग्जाम एग्जाम प्लान स्ट्रेटजी आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है यह पता होना चाहिए यह नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं यह पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगी स्मार्ट स्टडी क्वालिटी स्टडी का आप जमाना आ गया उस पर अप्रोच वैसा होना चाहिए और इसीलिए नाइन्थ ऑफ जून शाम पांच बजे आप लोग के लिए सिक्सटी एट बीपीएससी फ्री स्पेशल वेबिनार रखा गया हुआ है आइए नेक्स्ट अब देखिए जो सिक्सटी सिक्स बीपीएससी में जो प्रीलिम्स हुआ जिसका कि अभी इंटरव्यू चल रहा है यहां पर देखिए जनरल के लिए कितना हो गया एक सौ आठ अब ऐसा क्यों हो गया एकदम से दस क्वेश्चन कैसे बढ़ गए कंपटीशन बढ़ रहा है पॉपुलेशन तो बढ़ाई है लोग अच्छा पढ़ रहे हैं और अब आप मुझसे फ्री में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अगर यही चीज आप ऑफलाइन पढ़ने आए होते लाखों रुपए आपके खर्च हो गए होते यहां रहना खाना पीना सब खर्च होता अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दू कि वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग आवर पेड बैचेस एंड वी आर स्टार्टिंग आवर आरम बैच बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए सिक्सटी बीपीएससी का आरम बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसकी क्लासेज नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है डेमो अभी रेगुलर रनिंग में है आप हमारे डेमो को देख सकते हैं हमारी पूरी टीम कंटेंट के लिए जानी जाती है यह मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कल भी यूपीएससी का एग्जाम हुआ आप देखिए जो हमारी आईएएस की टीम है बहुत ही शानदार वहां पर प्रदर्शन किया गया है बच्चे ने इतना बढ़िया क्वेश्चन यहां से सॉल्व किया है कि अगली बार आप देखेंगे कि यहां से अच्छे खासे रिजल्ट आई में भी आपके सामने में होंगे ठीक सो नेक्स्ट यहां पर ध्यान देखिए के लिए एट है फीमेल के लिए हंड्रेड

अब हम लोग बीपीएससी के मेन्स एग्जाम पैटर्न को देखते हैं अभी तक तो आपको मैंने प्रीलिम्स का दिखाया नाउ इट इज टाइम टू गेट द नॉलेज अबाउट द मेन्स एग्जाम तो मेन्स में चार पेपर आपके सामने में होते हैं चार पेपर में पहला दिन जो पेपर होगा वो जनरल हिंदी का होता है सामान्य हिंदी सौ मार्क्स के होते हैं तीन घंटे का पेपर है और यहां पर आपको तैतीस परसेंट नंबर आपको यहां पर स्कोर करने तो ये क्वालिफाइंग है इसमें कुछ खास नहीं ये क्वालिफाइंग है Then, जो आपके सामने जो पॉइंट आ रहा है वो ये रहेगा जनरल स्टडीज पेपर वन जनरल स्टडीज पेपर टू और आपके सामने ऑप्शनल पेपर वन ऑप्शनल पेपर एक ही होता है ठीक तो तीन तीन घंटे के एग्जाम होंगे और पूरा आपके सामने कितना होता है 900। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 900 में कितने नंबर लाकर आप टॉप भी कर सकते हैं इसकी जानकारी भी मैं आपको बताने लगा कि 900 में कितने मार्क्स की आपको जरूरत पड़ेगी तो ये एक आइडिया आपको मिल गया कि बीपीएससी में मेंस के एग्जाम पैटर्न कैसे होते हैं थोड़ा सा इसको आर करते बोला, करूंगा, और देखते हैं जनरल हिंदी का जो पेपर रहेगा इट इज ओनली इन क्वालिफाइंग पर सिर्फ जरूरत थर्टी थ्री के मिनिट्स की जरूरत होती है यहां पर क्वालिफाइंग प्रकृति का है और इसके फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा तो दैट मीन की हिंदी में महारथी आप कितने भी हो उसकी यहां मार्क्स जुड़ने वाले नहीं यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है हिंदी इंग्लिश दोनों के होते हैं। लेकिन मार्क्स वहाँ पर ऐड नहीं होते है। आएगा तो देखिए क्या आना है इससे आएगा तीस मार्क्स आराम से इसमें बीस स्कोर कर सकते हैं ग्रामर आपके यहां पर आएगा जो कि तीस मार्क्स का आराम से यहां पर पंद्रह स्कोर कर सकते हैं इसी से पास कर जाओगे सिंटेक्स आते हैं पच्चीस मार्क्स इजिली आप कर सकते हो प्रेसिज आते हैं पंद्रह इजी वे में आप आराम से छह सात नंबर यहाँ से स्कोर कर सकते Anyhow, गिरते पड़ते भी पचास आपके परसेंट यहां पर आराम से आ जाएंगे ऐसा कोई बहुत नहीं और बिहार के बच्चों का हिंदी खराब थोड़ी ना होता है में में पढ़े पढ़े हो, में ही पढ़े हो सब जगह तो हिंदी पढ़ाई है ठीक तो इसके पीडीएफ भी आपको आप पीडीएफ के लिए कहा ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं के लिए आपको ज्वाइन करना है बिहार एग्जामपुर ये हमारा पीडीएफ सेक्शन यहां पर आपको मैं इसका अवेलेबल करवा दूंगा और आपके सारे इंफॉर्मेशन यहां पर मिलते रहते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इस टेलीग्राम चैनल को आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं आइए नेक्स्ट अब आएंगे हम लोग मेंस जीएस के पोर्शन को देखते हैं मेंस में जीएस के दो पोर्सन है तीन तीन सौ मार्क्स के जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू अगर जीएस पेपर वन की बात करते हैं तो यहां पर इतिहास है और आर्ट एंड कल्चर है अभी इसको डील करूंगा मैं माइक्रो एनालिसिस करके जाऊंगा तो भारत का आधुनिक इतिहास है भारतीय संस्कृति यहां पर दिया गया है और यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन दिए जाते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं यहां पर आप देखते हैं और देन यहां पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होती है डायग्राम्स होते हैं ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं 66 बीपीएससी मेल्स के लिए मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक निकाले थे लास्ट ईयर आप मेरे वीडियोस अवेलेबल है इसी चैनल पर देख सकते हैं जितना टॉपिक दिया था सारे के सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से थे बीपीएससी मेंस के लिए मैं आपको एश्योर करूंगा प्रिलिम्स हम लोग पूरा का पूरा थोड़ा करते हैं मेंस में हम सिलेक्टेड होंगे और दो से तीन महीने में बहुत ही शानदार तैयारी आप कर सकते हैं जान लगा देने वाली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर गलत हो जाए और आपका सिलेक्शन ना हो तो ये आप कर सकते ठीक है इंग्लिश मीडियम भी मिलेगा साकिब रहमान जी इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं वी आर प्रोवाइडिंग आवर क्लासेज इन ओके नेक्स्ट आइए तो यहां पर ये जीएस पेपर वन हो गया जीएस पेपर टू जाएंगे तो यहां पर आपको ज्योग्राफी है इकोनमी है साइंसटिक पॉलिटी ये चारों से यहां पर क्वेश्चन आपके सामने देखिए इंडियन पॉलिटी साथ साथ बिहार बिहार की राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन बनते हैं भारत के साथ बिहार की अर्थव्यवस्था और मैं आपको बता दूं हर साल से हर दिन दो पर दो दो प्रोवाइड दो करते देख सकते हैं पटना कलम चला है मौर्य कला चली है और हमने बाढ़ सूखा स्टार्ट किया है बताऊंगा क्या कंटेंट होना चाहिए कैसे राइटिंग करते हैं सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इंडियन और बिहार ज्योग्राफी भारत के भूगोल के साथ यहां पर आपके सामने और साइंस अब जैसे कि आएगा सूखा और बाढ़ तो बाढ़ सूखा में बिहार सरकार के किए गए कार्यों का वर्गी वहां पर वर्णन भी आपको करना हो कैसे बिहार सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका उसमें तय किया हुआ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आज के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा तो यहां है भारत और बिहार के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भूमिका और प्रभाव साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे आपके राज्य के विकास में इसकी भूमिका है चाहे वो आ, अगर हम लोग देखें तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए हो चाहे वो कृषि के लिए हो चाहे वो डिफेंस के लिए मतलब किसी भी संदर्भ में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका होती बाढ़ सूखे में क्या भूमिका हो जाएगी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो यहां पर सारे चीज आपस में जुड़े हुए होते हैं आइए इसको थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं अब आएंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में यहां पर जो क्वेश्चन बनेंगे 19वीं सदी के मध्य से क्वेश्चन मतलब मतलब में हो रहा है वहां से क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनलिटी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं लाइक महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू रविंद्रनाथ आपको में यहां से आना और वो मैं गेस करके आपको बता दूंगा 67 बीपीएससी के लिए नेक्स्ट वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार ये आपको ध्यान रखना है इनसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम्स में मेंस में क्वेश्चन बनते हैं वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार देन देखिएगा रोल ऑफ बिहार इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट आगे आपके सामने संथाल रिवोल्ट अठारह का विद्रोह चंपारण सत्याग्रह क्विट इंडिया मूवमेंट नाइनटीन वाला मॉडर्न और कला पटना कलम पेंटिंग्स और एनालिसिस ऑफ ग्राफिकल एंड एंडली अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे स्टेटिस्टिकल डाटा यहां से आपको मैं बता दू चार्ट कर लो आयत का कर लो वर्ग वाला कर लो और उसके जो सीरीज निकालने के लिए आते हैं उनसे बस क्वेश्चन कर लेंगे पांच सात क्वेश्चन करके जाएंगे आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं सारे क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएंगे ठीक है

इकोनॉमिक ज्योग्राफी वहां से क्वेश्चन बनेगा और यहीं पर होते यहां पर प्लानिंग से भी होंगे भारत के भौतिक आर्थिक और सामाजिक भूगोल से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक Then, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से अब देखिए यह वर्ड पकड़ लेना है आपको महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे आपको क्लियर पॉइंट मेंस के लिए कैसे पढ़ना है पिंकी राज जी ने लिखा है और इन्हीं सब चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं पिंकी क्या करना है आपको बच्चे तो आपको जो करना है ये आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा लाइव वेबिनार सेशन का लाइव वेबिनार सेशन का जो कि आपके सामने ये मेरी इवेंट चल रही है ना इसी को आप अभी देख रहे हैं और यहां पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिया गया हुआ तो लिंक से आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और डेफिनेटली ज्वाइन करके रख लीजिएगा आइए नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं कि मेंस में कितना नंबर ले आए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर फाइनल कट कटअप का मतलब है कि यहां पर मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स आपको दिए गए मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स अब आप देखिए कि मेंस कितने का है 900 नंबर का है इंटरव्यू कितने का है 120 नंबर का है मतलब कि 1020 में अगर आपके चार सौ सैतालीस आया नौ सौ में और इंटरव्यू में मिलाकर आ गया पांच सौ बत्तीस मतलब सोचिए कि पांच सौ बत्तीस जो है ये कितने में होना चाहिए एक हजार बीस में एक हजार बीस मार्क्स में अगर पांच सौ बत्तीस आपके आ गए तो सिलेक्शन हो गया जनरल कैटेगरी में बताओ पचास परसेंट के आसपास ये नंबर है बस पचास परसेंट के आसपास ये नंबर है इसी पर लोग पास करते हैं सत्तर अस्सी परसेंट नहीं आते किसी को आई एस किसी के सत्तर अस्सी परसेंट नहीं आते हैं पचास परसेंट ले आओगे ना तो पास कर जाते हैं और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं यहां मैं एक चीज और बता दूं कि मेंस में आपका एक ऑप्शनल पेपर होता है जो हमने अभी दिखाया था वो तीन सौ मार्क्स का होता है बहुत जल्द मैं अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लेकर आ रहा हूं अगर आपने मेरी क्लास नहीं किया है तो एक बार करके जरूर देखिएगा ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन पूरे बीपीएससी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से होता है बहुत जल्द मौका मिलेगा आपको अपने साथ में तो यहां पर देखिए कि जनरल कैटेगरी में में रिटेड बस सोचिए फिफ्टी परसेंट से भी मार्क्स कम हो गए तीन नंबर और फाइनल मेरिट लिस्ट पांच और यही है फीमेल के लिए जो या देख लो फीमेल के लिए चार सौ अड़तीस दस नंबर और कम और फाइनल हो जाता है पांच पर अगर आप ईडब्ल्यू में आते हैं तो ये आपके सामने में अगर आप एस कैटेगरी में है तो ये है एस कैटेगरी में है तो मेल फीमेल आपके सामने ईवीसी में है तो ये और बीसी में है तो ये बाकी भी आप अपना देख सकते हैं सबका पॉइंट दिया हुआ है हमने हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कंपटीशन है तो बारीक से बारीक चीजों पर आपकी पहुंच होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए ठीक ध्यान रखिए तो ये मेन्स इंटरव्यू का कब का मार्क्स है बीपीएससी का 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 मार्क्स एक और पहले देखिए भी दिखाता यहां चार सौ छियालीस यहां चार सो सैतालीस मतलब कि हर साल अगर आप फिफ्टी परसेंट नंबर को ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और इससे ज्यादा तो तुम बीपीएससी से ज्यादा तो आपके एकेडमिक में नंबर आ रहे होंगे कोई अगर ग्रेजुएशन कर रहा होगा एमए कर रहा होगा बीएससी एमएससी कर रहा होंगे साठ साठ सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी परसेंट नंबर आते हो लेकिन बीपीएससी राइटिंग यूपीएससी राइटिंग थोड़ी अलग होती वो सिखाऊंगा वो बताऊंगा ठीक तो यहां देखिए सिक्सटी वाले में भी क्या था अनिजर्व के लिए चार और फाइनल पांच सौ पैतीस सिक्सटी वाला जो रिजल्ट आएगा इसमें भी अप्रोक्स यही होने वाला है इससे ज्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे इतने ही पर सिलेक्शन होगा ठीक है और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा इसको मैं एश्योर कर सकता हूं पिछले एक साल से इस चैनल पे हमारी क्लासेस चल रही है देखिएगा उठा के कंटेंट आपको क्या पढ़ाया कल यूपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए से ठीक तो ये भी ध्यान रखिएगा यहां पर भी एस कैटेगरी आपके सामने में एस कैटेगरी ईबीसी बीसी कैटेगरी आपके सामने में यहां पर दिया गया हुआ तो और इसके बाद में आपको एक जो पॉइंट बता रहा था कि एक ऑप्शनल पेपर होता है और ऑप्शनल पेपर भी कितने मार्क्स का होगा तो थ्री हंड्रेड मार्क्स का होता है मैं आपको बता दूं कि यहां पर दो सौ पच्चीस प्लस मार्क्स स्कोर करना भी ईजी है आराम से आप दो सौ पच्चीस मार्क्स तक यहां से उठा सकते कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बिल्कुल हंड्रेड परसेंट मैं आपको बता रहा हूं अगर आप सोचिए कि दो सौ पच्चीस मार्क्स यहां से उठा लिए तो दो सौ मार्क्स और उठाएंगे तो आपका तो सिलेक्शन हो गया मतलब कि बाकी में अगर जीएस में थोड़े नंबर कम भी रह गए सौ सौ नंबर भी आए सावा सौ नंबर भी आए तो सिलेक्शन हो गया कहां जाना की जरूरत है बताओ जरा साहब तो ये है आपके लिए यहां पर स्माइली और आपको क्या करना है कि आप हमारे नाइन्थ ऑफ जून लाइव वेबिनार सेशन से जरूर जुड़िए यहां पर आपको मैं बताऊंगा ये लाइव सेशन के लिए आपको क्या करना है इस लिंक पर जाकर आप क्लिक करेंगे ये मैं हूं और ये दीपक सर और ये संजय सर हमारी टीम में है और हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे क्या बीपीएससी के लिए डिमांड्स क्या होती है कैसे इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे नोट्स बनाते हैं क्या आपके पढ़ाई कैसे करते हैं कोई भी आपके डाउट्स है उसको सारे कुछ को हम लोग क्लियर करें कैसे नोट्स बनाते हैं ये सबसे बड़ी बात है मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं तो जुड़िए हमारे बीपीएससी लाइव स्पेशल वेबिनार के साथ में जो कि हो रहा है कब नाइन्थ ऑफ जून शाम पांच बजे ठीक तो आज इस स्पेशल इवेंट में इतना ही रखते हैं। इसी तरह से और भी स्पेशल इवेंट को लेकर मैं आता रहूंगा ताकि आपकी जो सोच सक्षमता है उसको और सामर्थ्यवान बनाया जा सके आपकी अप्रोच क्लियर हो सके जानकारी अच्छी हो सके तो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट इवेंट में तब तक ले नमस्कार धन्यवाद